नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे वैसे इसमें। और ये आईबी एग्जाम जो आने वाला है, ऑब्जेक्टिव इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया है। काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, उस दिन मैं भूल गया था एक्चुअली। देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज ये कहना चाहूंगा, कई बार मैं आपको बोल देता हूँ लेकिन मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो प्लीज आप लोग रिमाइंड करा दिया करिए प्लीज। ये अभी लोगों ने रिमाइंड कराया तो मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है ये, पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट बताए थे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, किस सन में, 1914 से लेकर 1919 तक चला था, पूरा हम देख चुके हैं इसमें। 1914 से 18 तक चला था। देखिए, ये है विकीपीडिया की पिक, 28 जुलाई 1914 से चालू हुआ था वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट, 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसमें हमने पूरे कॉजेज भी डिस्कस किए थे, मैनिया और प्लस एक इमीडिएट कॉज था वो भी डिस्कस किया था, कि जो आर्क ड्यूक था ये ऑस्ट्रिया का, उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और इसमें अलाइड की विक्ट्री हुई थी, सब कुछ डिस्कस किया था हमने। इसमें दो पावर थी, सेंट्रल पावर थी, अलाइड पावर थी। अलाइड में फ्रांस, ब्रिटिश, रशिया, ये सेंट्रल में जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तो यूक्रेन किसका पार्ट था। देखिए, यूक्रेन पार्ट था किसका, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का था ये पार्ट। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, ये इसका विघटन हो गया था कब, ये डिसॉल्व हो गया था 26 दिसंबर 1991 को। ये डेट भी याद रखिएगा, इस डेट पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू का, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया तो 15 कंट्रीज निकली थी, 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक थी, उनमें से एक था यूक्रेन। तो यूक्रेन किसका पार्ट था पहले इंडिपेंडेंस से, वो भी सोवियत यूनियन का था या फिर यूएसएसआर का। तुर्कमेनिस्तान भी, उज्बेकिस्तान, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस और एस्टोनिया, ये सब जो है कंट्रीज, ये पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे। और सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हो गया तो 15 कंट्रीज निकली थी। किस दिन डिसॉल्व हो गया ये आप याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1991। एडॉल्फ हिटलर ने सुसाइड कब कमिट किया था, 1945 में खुद को गोली मार ली थी इसने। फिर ये पहला न्यूज़पेपर वर्ल्ड का किसने स्टार्ट किया था, चाइना ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा आप। फिर ये पहला रोमन एम्पायर का नाम क्या था, ऑगस्टस। उसके बाद फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हीरोडोटस को। उसके बाद बायोग्राफी ऑफ एडॉल्फ हिटलर किसने, ये क्या नाम है इसका, मे कैम्फ है। और एक और ये आप याद रखिएगा, ये दास कैपिटल किसने लिखी, ये आप बताइएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट एम्परर कौन था रोम का, ये है रोमुलस ऑगस्टुलस। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1707 में, ठीक है। ये जब ये ट्रीटी ऑफ यूनियन बाय द एक्ट ऑफ यूनियन को रेटिफाई कर दिया था पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने, पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड ने, तब जाके ये बनी थी पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में। हिस्टोरिकल मूवमेंट जो अल खान जी है, ये कहाँ पे, पेट्रा सिटी में है ये। किसने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ये कोलोसम जो कि रोम में है, यह वेस्पासियन ने किया था। फिर ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ऑथर कौन थे, ये थॉमस जेफरसन। उसके बाद ये कौन सा ऐसा रेनेसा वाला साइंटिस्ट था जिसने कि प्लैनेट्स के मूवमेंट को डिस्क्राइब किया था, कि सन के अराउंड कैसे ये ऑर्बिट करते हैं, ये केपलर लॉ आपने सुने ही होंगे। ये रशियन रिवोल्यूशनरी था जिसने की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, लेनिन। उसके बाद अगर आप देखें को फाउंडर किसको बोलते हैं, देखिए साइंटिफिक सोशलिज्म का फाउंडर किसको बोलते हैं, कार्ल मार्क्स को। ये किसने बोला था कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये बोला था प्लेटो ने। उसके बाद एजटेक सिविलाइजेशन, देखिए ये मैक्सिको को भी कोई यही बोलते हैं, ये एजटेक सिविलाइजेशन या फिर इसको मैक्सिको सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये पूछा जा रहा है कि कौन, जब रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ था, देखिए रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, दो टाइप के थे, फरवरी और अक्टूबर, हम सब डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, याद रखेंगे आप। उस समय जो रशिया का ये ज़ार था वो था निकोलस टू, लास्ट एम्परर था, जो कि 1894 से लेके 15 मार्च 1917 तक रहा था, जब इसको गद्दी को इसको हटा नहीं दिया गया था। जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था ये आप याद रखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 5 मई 1789 से लेके, और ये चला था पूरा 9 नवंबर 1799, 10 साल चला था करीबन, 10 साल 6 महीने 4 दिन।
और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंडिया के प्रीएम्बल में क्या लिया गया ये आप बताइए, मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखा है सब चीज़ें। यंग इटली का मूवमेंट दो रिवॉल्यूशनरी ने स्टार्ट किया था, देखिए एक था मेजीनी और दूसरा कौन सा था, गैरिबाल्डी, ठीक है। यंग इटली मूवमेंट किस लिए था, ये इटली को यूनाइटेड करने के लिए था। स्टार्ट किसने किया था, ये किया था ग्यूस्पी मेजीनी ने 1831 में, और इसको फिर बाद में ज्वाइन किया था किसने, गैरिबाल्डी ने 1833 में। ये आप याद रखिएगा, मेन पर्पस था यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक को क्रिएट करना। रोम को कब लिबरेट किया था इटालियन सोल्जर्स ने, ये किया था 1870 में किया था लिबरेट, और 1871 में रोम को यूनाइटेड इटली की कैपिटल बना दिया गया। वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ था, अब देखिए वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वॉर टू कब खत्म हुआ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड वॉर टू क्यों स्टार्ट हुआ था। ये सब पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा इसलिए कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं। वर्ल्ड वॉर टू 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था तब स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड वॉर टू जो है इसका पीरियड ज़्यादा है, 6 साल करीबन कुछ महीने चला था, 6 साल 1 दिन, जो वर्ल्ड वॉर वन है वो 4 साल के करीब चला था। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, एलाइड की विक्ट्री हुई थी, फिर उसमें लास्ट में वर्ल्ड वॉर टू में यूएस ने एक हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिया था, ये वाला था, इसका नाम था लिटिल बॉय, इसका नाम था फैटमैन, ये था यूरेनियम बेस्ड, ये था प्लूटोनियम बेस्ड, ये सब बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर कोल्ड वॉर चालू हो गया था। कोल्ड वॉर का मतलब है देखिए, इधर रशिया वाला कैम्प था, इधर ये यूएस वाला कैम्प था, दोनों में तनातनी चलती रहती थी। इसका जो यूएस को इन्होंने बना लिया अपना नेटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये रशिया ने बनाया था वॉर्सा पैक्ट। वॉर्सा पैक्ट तो खत्म हो गया था जब 1991 में सोवियत संघ खत्म हुआ, नेटो अभी भी जिंदा है, 29 मेंबर है इस समय नेटो के, ठीक है। और लेटेस्ट जो मेंबर है मॉन्टेनेग्रो है नेटो का, ये सब याद रखिएगा। ये एलाइड लीडर्स हैं, एक्सिस लीडर, ये सब वर्ल्ड वॉर टू के हैं। बालकान वॉर टू ये कब हुआ था, देखिए ये बालकान में जो वॉर हुआ सेकेंड वाला 29 जून से लेकर 10 अगस्त 1913 तक चला था, 1 महीने के करीब था ये बालकन पेनिनसुला में। ये तब हुआ था जब बुल्गारिया ने अटैक कर दिया था सर्बिया और रोमानिया पे, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मौके मिल गए थे। इसमें देखिए ट्रीटी ऑफ बुदापेस्ट हुई थी, और फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी, और फाइनली बुल्गारिया को ये हार गया था। ये सब चीज़ याद रखिएगा। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको बोलते हैं, बिस्मार्क को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी, हो ची मिन को बोलते हैं अंकल हो, सर वॉल्टर स्कॉट को बोलते हैं विजर्ड ऑफ द नॉर्थ। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिटलर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये हिटलर देखिए पैदा हुआ था 1934 में, सॉरी पैदा नहीं हुआ था यहाँ पे, ये एक्चुअली हिटलर का जो चांसलर बना था वो 1933 में बना था 1945 तक, और हिटलर फ्यूरर बना था 2 अगस्त 1934 से लेके आपका पूरा 45 तक। ये आप याद रखिएगा कुछ चीज़ें। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हिटलर का डिप्टी था फ्यूरर का, डिप्टी फ्यूरर वो था रूडोल्फ हेस, ठीक है, और चांसलर जो था डिप्टी वो था फ्रांस वोन पापेन। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ब्राज़ील कब डिस्कवर किया गया, ब्राज़ील 1500 में किया गया, और इसको किया था पोर्तुगीज, एक पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज, इसने डिस्कवर किया था। नॉर्थ पोल को किसने डिस्कवर किया था, ये किस किया था, रॉबर्ट पियरी ने 1909 में नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया था। ये दोनों चीज़ें इसलिए लिख दी एक साथ, एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट पियरी ने 1909 में, और ये एक अमेरिकन था। साउथ पोल को किसने डिस्कवर किया, एमंडसन ने, और 1911 में किया, और ये एक नॉर्वे का था। दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। मैग्ना कार्टा या ग्रेट का जो चार्टर था वो साइन कब किया गया था, 1215 में साइन किया गया था, ठीक है, और ये किंग था जॉन टू ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद हैबियस कॉर्पस एक्ट ये 1679 में पास किया गया था। बोस्टन टी पार्टी, देखिए ये एक इंसिडेंट थी एक्चुअली, अमेरिकन जो वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो उन्हीं में एक सीरीज ऑफ इवेंट चालू हुई थी 1764 से लेके, तो ये बोस्टन टी पार्टी भी हुई थी 1773 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था ये एक तरह से, अमेरिका की जो कॉलोनीज था उन्होंने, ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता था, और मेन चीज़ उस समय जैसे चल रही थी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हो, इतनी दूर बैठ के हम पे रूल करते हो, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड है,
अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ये। 13 कॉलोनियों ने ब्रिटेन के खिलाफ अपना इंडिपेंडेंस वॉर जीता था इसमें, और ये सीरीज ऑफ इवेंट चालू हुई थी 1765 से लेके पूरा 1783 तक। एग्जैक्ट जो ये अमेरिकन वॉर है ये करीबन 1775 के आसपास चालू हुआ था। बोस्टन टी पार्टी में देखिए क्या किया था, जो भी डिमॉन्स्ट्रेटर थे उन्होंने पूरा ये शिप में घुसे और ये पूरी टी को बोस्टन हार्बर में ही पूरा ये फेंक दिया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा ये हार्शली रिस्पॉन्ड किया था इसमें, और ज़्यादा टैक्स और ये सब लगा दिया था। ये सब आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अमेरिकन रिवॉल्यूशन से है। अब देखिए एग्जैक्ट डेट अमेरिकन रिवॉल्यूशन की है, 1775 में स्टार्ट हुआ और एग्जैक्ट खत्म कब हुआ 1783 में। ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि 13 कॉलोनीज ने जो ब्रिटेन के खिलाफ वॉर जीता था वो किससे रिलेटेड है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ये। फिर ये है अमेरिकन इंडिपेंडेंस को एक्नॉलेज कब किया था इंग्लैंड ने, 1783 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे पहले प्रेसिडेंट यूएस के। अमेरिका को डिस्कवर कब किया गया था, 1492 में इटालियन क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहला कौन था जिसने पूरी दुनिया में सरकमनेविगेट किया था, सरकमनेविगेट या फिर पूरी दुनिया के चक्कर लगाया था। एक्चुअली इसमें यहाँ पे ये है दिक्कत की जो मैगलेन था ये पोर्टुगीज सेलर था, इसने स्टार्ट तो किया था पूरे दुनिया भर में सरकमनेविगेट करने के लिए, स्पेन तक ये पहुँच भी गया था ये, लेकिन इसमें नहीं ये नहीं पहुँचा था सॉरी, ये एक्चुअली 1519 में चालू किया इसने, लेकिन बीच रास्ते में इसको मार दिया गया था और जो इसका पूरा ट्रुप था वो चलता रहा। तो उस पूरे ट्रुप ने पूरा जरूर सरकमनेविगेट किया था लेकिन इसने नहीं किया था, तो ये आप याद रखिएगा मैगलेन को। वास्को डी गामा इंडिया में पहुंचा था 1498 में, ये 20 मई 1498 में पहुंचा था कोझीकोड में, मालाबार कोस्ट में जो कि आज केरल में है। ये फिर ये बार्थोलो में ये डीजी आ जाइए केप ऑफ गुड होप कब पहुंचा था, 1487 में पहुंचा था। साउदर्न पॉइंट है ये पूरा केप ऑफ गुड होप का। मार्को पोलो वेंटलिन ये ट्रेवलर ये सब ये जापान में कब आए थे, ये आया था मार्को पोलो ये चाइना में आया था, सॉरी चाइना और जापान में आया था। एक मिनट इसमें देख लीजिए, इसमें ये वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, एक मिनट